गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर रिवीज क्लास। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सेक्शन एक का टिक द करेक्ट ऑप्शन किया था। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड्स दिए, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि किस वर्ड्स, किस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा ऑर्गन्स आर दोज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स के ऐसे कौन से पार्ट है जिन्हें हम यह देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स या इंटरनल? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा एक्सटर्नल। ठीक है, क्योंकि इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम इजीली नहीं देख सकते हैं, और एक्सटर्नल हमारे बॉडी के बाहर होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कहाँ पर दिया हुआ है, ये है एक्सटर्नल के स्पेलिंग क्या है, ई एक्स टी ई आर एन ए एल। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे एक्सटर्नल ई एक्स टी ई आर एन ए एल। इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ, एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं, उनके वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जिन पार्ट्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, बोन्स मतलब होता है हड्डियाँ, स्केलेटन मतलब होता है कंकाल, और जो ह्यूमन होता है मतलब मानव। मानव कंकाल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो मैंने आपको बताया था कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 206। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 206 मतलब जो मानव कंकाल है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ठीक है, थर्ड है हमारा द एयर डेट यू ब्रीथ आउट इज कॉल्ड। वो एयर जिन्हें हम बाहर निकालते हैं, बाहर करते हैं नाक सा, वो एयर जिसे हम रेस्पिरेशन सिस्टम में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिखिए यहाँ पे सी ए आर बी ओ एन। इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखिए डी आई डाई ओ एक्स आई डी ई। क्या पढ़ेंगे इसे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वो गैस है जिसे हम एयर, जिसे हम श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक्स एन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप मतलब होता है समूह और ऑर्गन मतलब होता है तंत्र। तंत्र का जो समूह होता है वो मिलकर क्या बनाता है, जैसे एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, चार फिंगर, पांच थंब, तो ये मिलके क्या हो गया, हमारा एक पूरा हाथ कंप्लीट हो गया, हैंड कंप्लीट हो गया। तो उसी प्रकार जो ऑर्गन से एक ऑर्गन, दो ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
ऑर्गन सिस्टम लिखिए यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम ओ आर जी ए एन, ऑर्गन सिस्टम की स्पेलिंग लिखिए एस वाई एस टी ई एन, क्या पढ़ेंगे इसे, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र, एक ऑर्गन मिलके, जो ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा मसल्स आर कनेक्टेड टू द, अब जो हमारी मसल्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है, बोन्स से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो लिखिए बोन्स बी ओ एन ई एस, जो हमारी मसल्स होती है वो हड्डियों से कनेक्ट रहती है, ठीक है। सिक्स्थ कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, अब ये तो बहुत इजी है, हमारे बॉडी पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो लिखिए यहाँ पे बी आर ए आई एन, ब्रेन, ठीक है। आया स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।